अचानक से कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। परमपिता परमेश्वर कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, कल तुम्हारे घर में कुछ ऐसा होगा जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देगा, क्योंकि परमात्मा स्वयं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करने जा रहे हैं। तुम्हारे जीवन में अचानक से ही चमत्कार होने लग जाएंगे। भाग्य के दरवाजे जो बंद पड़े थे वह खुल जाएंगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे घर के प्रत्येक कोणों में दिव्य ऊर्जा फैल रही है। एक मनमोहक सुगंध तुम्हें भीतर से शांति की अनुभूति करवाएंगी। परमात्मा कहते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अचानक अप्रत्याशित वित्तीय आशीर्वाद और सफलता प्राप्त होगा और तुम्हारा विश्वास परमात्मा पर और अधिक गहरा हो जाएगा। तुम्हारा आत्मविश्वास क्षितिज पर होने वाला है। यदि आप परमात्मा पर विश्वास करते हैं तो इस दिव्य संदेश को अवश्य ही लाइक करें। तुम्हें ऐसा प्रतीत होगा जैसे हर एक कोने में दिव्य ऊर्जा का संचार हुआ है। कोई ऐसी शक्ति है जो तुम्हारा रास्ता बहुत आसान कर रही है। यदि आपको दिव्य शक्ति पर विश्वास है तो 111 लिखे दिव्य संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, आने वाले सप्ताह में तुम्हारे साथ कुछ अविश्वसनीय घटना घटने वाली है। सबसे पहले तुम्हारे चारों ओर जो दिव्य शक्तियों का कवच है उन्हें नमन करें। 212 के साथ लिखे, मैं हर क्षण दिव्य शक्ति के कवच में हूँ। मेरे प्रिय, जल्द ही तुम्हें एक के बाद एक शुभ अवसर प्राप्त होने लगेंगे। तुम्हारा आभा मंडल इस हद तक उच्च रूप से पढ़ने लग जाएगा कि तुमसे बातें करने वाले लोगों को स्वयं यह समझ आएगा कि वह कितने भाग्यशाली हैं। जल्दी ही महसूस करने वाले हो कि वायु में मिश्री खुल रही है। समय फिर से एक नई शुरुआत की ओर करवट लेने वाली है। इसका आभास तो तुम्हारे अंतर मन को अभी से हो चुका हो कि जल्द ही कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। यह सब एक नहीं दिव्य कर्म तुम्हारे दिव्य कर्म के कारण हुआ, इसीलिए मैं तुम्हें पहले से ही सूचित कर रहा हूँ ताकि तुम यह जान सको कि तुम्हारे ऊपर आशीर्वादों की दिव्य वर्षा होने जा रही है। परमात्मा की सीधी दृष्टि तुम्हारी ओर है। क्या तुम्हें इसका आभास नहीं हो रहा है? परमात्मा तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हें सुन रहे हैं। मेरी बातों को तनिक ध्यानपूर्वक समझो।
यह कोई पहेली नहीं, तुम्हारी वास्तविकता बताने जा रहा हूँ। जल्द तुम्हारे घर दिव्य फरिश्ते साधारण मानव रूप में या साधारण स्त्री रूप में आ सकते हैं अचानक से। जैसे ही वह दिव्य फरिश्ते तुम्हारे घर की ओर बढ़ेंगे, कोई ऐसा कार्य तुम्हारा पूर्ण हो जाएगा जिसकी तुमने आशा तक छोड़ दी थी। जैसे ही तुम्हारी दृष्टि उन पर पड़ेगी, वह मुस्कुराकर चले जाएंगे। दिव्य आशीर्वाद देकर वह दिव्य लोग वापस आ जाएंगे परमात्मा के पास। यदि आप चमत्कार के लिए तैयार हैं तो 444 लिख दिव्य संदेश का माध्यम चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें। भले ही वह कुछ देर के लिए आए, किंतु उतने ही क्षण में वह कुछ बहुत बड़ा कार्य कर देंगे जिसके कारण तुम्हारे सारे कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे प्रिय, तुम विश्वास करो, मैं प्रतिपल तुम्हारे शत्रुओं की योजनाओं को नष्ट कर रहा हूँ। इस संघर्ष की लड़ाई में तुम अकेले नहीं हो। मैंने तुम्हें चारों ओर से सुरक्षा कवच प्रदान किया है। मैं सदैव तुम्हारा मार्गदर्शक बनकर तुम्हारे साथ ही खड़ा हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें विश्वास हो तो सिर्फ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी कृपा पाने के लिए, अपने जीवन कृपा में पाने के लिए हरे कृष्णा हरे रामा अभी लिख दीजिए। खुशियों की एक ऐसी यात्रा तुम प्रारंभ करने जा रहे हो। तुम्हारे घर में खुशियां, सुख, समृद्धि, सभी के होठों पर मुस्कान यह नया समय ला रहा है। बहुत जल्द ही तुम्हारी एक इच्छा पूरी होने जा रही है। परमपिता परमेश्वर कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आने वाले समय में तुम्हारे लिए समृद्धि का समय पड़ने वाला है। तुमने जो योजनाएं बनाई थी वह सभी अब सफल होने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए यह एक ऐसा समय होगा जहां सब परिवार अत्यंत ही प्रसन्न होंगे। सभी के चेहरे पर एक मंद सी मुस्कान रहेगी, क्योंकि उनके साथ वही होगा जो वह चाहते हैं। 1176 लिखे और कहे, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ सब अच्छा होता है। मेरे प्रिय बच्चे, अब तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें मिलेगा। यदि एक दरवाजा बंद होगा तो तुम्हारे लिए 10 दरवाजे खुल जाएंगे। यह समय तुम्हारी परीक्षा का उत्तर फल देने आ रहा है। मैं जानता हूँ तुम अपने परिवार के लिए अच्छी वित्तीय अच्छी स्थिति ही चाहते हो। घर के हर एक जने को तुम सदैव खुश देखना चाहते हो। सभी को खुश देखना तुम्हारी प्राथमिकता रहती है।
इसीलिए मैं ऐसे लोगों को तुम्हारे जीवन में ऐसे समय पर भेजूंगा जो तुम्हारी सोच से परे हैं। मैं जानता हूँ तुम मुझसे अत्यंत प्रेम करते हो और मुझ पर विश्वास करते हो, इसीलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं भी तुम्हें बहुत प्रेम करता हूँ। मेरे बच्चे, जो मेरे इस दिव्य संदेश को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा और कमेंट में धन्यवाद परमेश्वर लिखेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। पूरे परिवार पर स्वयं मेरा दिव्य सुरक्षा कवच होगा। तुम मेरे सबसे प्रिय संतान हो, क्योंकि तुम निश्चल हो और मैं सदैव तुम्हारे लिए सर्वश्रेष्ठ ही करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ जो भी होगा वह सब कुछ बहुत ही अच्छा होगा भविष्य के लिए। बहुत जल्द तुम यह भी जानोगे, जो तुम चाहते थे वह तुम्हें क्यों नहीं मिल रहा था। मेरे प्रिय, यदि तुम अब तक भटक रहे थे तो आज यह संकल्प लो। मैं विश्वास से भर गया हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं आशावादी हूँ, मैं हर दिन खुशियों को आकर्षित कर रहा हूँ। समय है परिश्रम कर अपने लक्ष्य को हासिल करने का, ना कि ऐसे ही व्यर्थ करने का, क्योंकि यह समय तुम्हारा जो है वह बहुत ही कीमती है। अब मेरे बच्चे, मैं इसीलिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि अब जो तुम परिश्रम करोगे उसमें तुम्हें अपार सफलता अवश्य से ही मिलेगी। इसीलिए अब इस समय पर रुक कर हार मान कर मत आ जाना, क्योंकि ब्रह्मांड अपना पूरा संयोग तुम्हें दे रही है। तुम ठीक परमपिता परमेश्वर के दृष्टि पर हो, वह तुम्हें देख रहे हैं, इसीलिए अब कार्य शुरू कर दो। दिव्य सुरक्षा कवच में हो तुम। परमात्मा तुमसे बहुत ज़्यादा खुश है। मेरे प्रिय, हर एक खुशियाँ तुम्हारे लिए निश्चित किया जा रहा है। सफलता की ओर बढ़ो, जीत का डंका तुम्हारा बजने वाला है। 1100 के साथ लिखे, आई एम अचीव माई goals easily. Type yes if you believe divine blessings. Thank you so much.